Some believe it is fate, some believe it is destiny, but we believe happiness is something we create. Welcome to another fine episode of Inspiring Indians featuring Shri Anish Panot. Sir, welcome to the show. Hello. Mm-hmm. Sir, what brings Dr. Ravi Rao to be an inspiring Indian? It was the first time I met Dr. Ravi Rao. मैंने उसको पूछा कि अचीवमेंट क्या आपकी, एंड ही सेड माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज दैट आई हेल्प अदर पीपल बिकम सक्सेसफुल, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, यू नो. सो डॉक्टर राव इज इनटू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंसेस, एंड ही हेल्प्स पीपल बिकम सक्सेसफुल, वेदर द इंडिविजुअल्स, वेदर कंपनीज, इवन फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैव कम टू हिम एंड डन वेल फॉर देमसेल्व्स. सर, सो हाउ डिड डॉक्टर रवि राव एंटर द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है. ही वॉज इन हैदराबाद और ये कॉलेज में थे, एंड पार्ट टाइम यूज टू गो एंड डू द ट्रांसलेशन वर्क फॉर एस्ट्रोलॉजर आउट देयर, मिस्टर मूर्ति. एक दिन बड़े साहब लॉयर आए उनके पास, मूर्ति साहब के पास, एंड दे टोल्ड एंड आस्क्ड हिम कि टेल मी व्हेन आई डाई. तो डॉक्टर राव वॉज लिसनिंग, पता क्या जवाब देगा, बट मिस्टर मूर्ति सेड यू विल डाई ऑन दिस पर्टिकुलर डे, एंड कॉल इट फेट, कॉल व्हाटएवर, द गाय डाइड ऑन दैट डे. That is what got Dr. Rao interested in this. फिर ये दिल्ली चले गए क्योंकि his parents wanted him to join the IAS. तो कोचिंग के लिए चले गए उधर. तो he says I never had money out there, so I used to do tuition, you know, बच्चों की ट्यूशन करता था. And one day his students came, who were actually very rich, but they came and said from tomorrow we're not going to come. मैं क्यों नहीं भी? कहते तू we have lost, my parents have lost our money, all the money, and we can't afford it now. तो इसने, मैं कहता मैं धुनकी में ही, मैं उसको बोला अच्छा आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखो अपने और पेरेंट्स की, उन्होंने लिख के दे दिया. कहता मैं कागज़ पे लिख के उनको बोल दिया कि योर फादर विल बिकम वेरी सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ही गॉट अ लार्ज ऑर्डर फ्रॉम दुबई एंड ही विल बिकम ओके. ऐसे उसके बाद मैं वापस आ गया हैदराबाद. कहता एक दिन मैं घर में आया, शाम को घर में वापस आया, तो मेरे फादर बोला तेरे दिल्ली से फ़ोन आया. उस टाइम ट्रंक कॉल का ज़माना होता था, सो इट वॉज ऑलवेज सम बैड न्यूज़ विच इज फोन के, बोला पूरे दिन वेट कर रहा था दोबारा फोन आएगा. अल्टीमेटली फ़ोन आया, वो जो बच्चा था उनका पेरेंट था, उनका फादर था, वो बोला दिल्ली आओ. तो कहते दिल्ली में क्यों? कहते तुमने बोला मेरे को एक टी सीरीज से ऑर्डर मिल गया कैसेट्स का, एंड आई एम बैक इन बिजनेस. तो बोला मेरे को पैसे नहीं भेजो, टिकट भेजो. तो बोला टिकट भेजी उसने, देन ही वेंट टू दिल्ली. एंड कहता मैं जब दिल्ली पहुँचा 40 फैमिली वेटिंग फॉर हिम, क्या हमारा भी बताइए फ्यूचर क्या है. कहता फिर मैं उधर आई स्टार्टेड डूइंग एस्ट्रोलॉजी आउट देयर. फिर क्या हुआ, कहता एक दिन के एक बड़ा फेमस टेम्पल है उधर, उधर से कुछ लाख रुपए चोरी हो गए. तो मेरे को उन्होंने बुलाया, तो मैं गया उधर. सो व्हाट आई टोल्ड देम वाज दैट मनी इज हियर ओनली, यू विल गेट इट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, यू विल गेट इट, एंड दे गॉट द मनी. सो देन दे कॉल्ड मी फॉर महाप्रसादम. सो व्हेन आई वेंट देयर देयर आर सम पीपल फ्रॉम सिंगापुर एंड मेनी कंट्रीज वर वेटिंग सिटिंग आउट देयर ओनली. Said, but that time I'd become very good from visiting card, I could tell the future of a person. So I told one of those guys sitting out there, said you are from Singapore, etc., etc. So he said, "Kabhi Singapore aao to mereko milna." He says, as fate would happened, I was going to Australia about a month later, and the flight was to Singapore, via Singapore. So Singapore utra tha, maine time tha mere paas, 8 ghante ka tha beech mein between flights. So maine unko phone kiya, to unhone mereko bulaya udhar, unke office mein gaya main. So they were going to फाइल सब टेंडर, तो दे शोड मी द टेंडर. मैंने आई चेंज द फिगर स्लाइटली, जो उनका फिगर था उसको थोड़ा चेंज किया, एंड आई टोल्ड देम दैट यू विल नॉट बी L1, यू वोंट बी द लोएस्ट, विल बी L2, यू बी सेकंड लोएस्ट, बट यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट. तो उसका मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया. वापस आता टाइम पे मैं जब उधर पहुँचा सिंगापुर, तो मैं वैसे ही पूछा, फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ उसका टेंडर का. तो दैट पर्सन वॉज नॉट इन द कंट्री, वॉज इन हांगकॉन्ग, बट ही टोल्ड हिज कुलीग टू मेरे को पकड़ के होटल में बैठाओ, एंड आई स्टेड देयर 3 डेज बिकॉज दे हैड गॉट द कॉन्ट्रैक्ट. एंड फ्रॉम देयर ऑन देन आई जस्ट गॉट टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु देन आफ्टर दैट. सर, व्हाट इज द एसेंस ऑफ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल सो मच? सी, बेसिकली इट इज बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स, दैट इज फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस एंड एयर. इनको बैलेंस कर देते हैं सो दैट थिंग्स डू गुड फॉर यू. तो मैं जब पहले डॉक्टर वी कर रहा को मिला अहमदाबाद में, तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. नो, मैंने पूछा था क्या है वास्तु,
तो स्टार्ट टेलिंग मी कि ये है वर्थ वाटर, तो फ्रॉम लुक ऑन माई फेस ये बोला ये तू यू डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, अब मेरे साथ चलो। सो ही टुक मी टू जैसे संजय लाल भाई ऑफ अरविंद ग्रुप, उनके ऑफिस में जाकर बैठा दिया। तो मैंने संजय लाल भाई साहब पूछा कि आप बिलीव करते वास्तव में, तो ही सेज यू बिलीव इन दिस थिंग्स ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग रियली बैड, देन यू बिलीव एनीथिंग। कहता माय शेयर प्राइस आर रियली गॉट डाउन, डॉक्टर वगैरह कोई लेके आए इनको, उन्होंने तो बोला ये करो, ये ऑफिस को इधर शिफ्ट करो, ये करो, ये वॉल को बंद लगा दो, बोला चलो कर देते हैं। कहता हमने कर दिया, वो दिन है और आज के दिन है, वी हैव बीन लाइक दिस। सेज टुडे हमारी कंपनी में कुछ भी चेंज चीज़ें करना हो तो डॉक्टर हैज़ टू साइन दी ड्राइंग्स, उसके बिना होता नहीं है। देन मी टुक मी टू अनदर गाय हु हैड जस्ट सेट अप अ प्लांट, अ प्लांट चल नहीं रहा था, तो वो बोला कि मैंने डॉक्टर वीरा को बुलाया, ये आए फैक्ट्री में पूरा चल के, बोलते नहीं सब ठीक है, तो मैं क्या करूँ मेरा प्लांट चल नहीं रहा। कहता जो 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 तुम्हारी वॉल है, कहते छोटे से कमरे बने वो क्या है। कहता जो वर्कर बना रहे थे फैक्ट्री तो उधर रह रहे थे, खोल के दिखाओ मेरे को क्या अंदर, कहते खाली है खोल के दिखाओ। कहता पहला भी ओपन द लॉक खाली, सेकंड भी ओपन द लॉक खाली, कहता नहीं वो कोने वाला दिखाओ मेरे को। सो उन्होंने जाके खोला, अंदर स्क्रैप पड़ा, इसे रिमूव द स्क्रैप, बस वही है, वो स्क्रैप निकाला और तब से वी आर टुडे द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटीरियल हो गई। सो इसके एग्जाम्पल बहुत हैं, एंड डॉक्टर रवि राय तो यही बोलते हैं किसी का भला हो रहा हो पैसे की फिक्र नहीं है, भला हो रहा हो कर देता हूँ मैं। मांडव सर, हाउ कैन पीपल लाइक अस और द ऑडियंस, एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस इज वॉचिंग दिस शो, गो एंड मीट मिस्टर रवि राव, हाउ इज इट पॉसिबल? ये द वेबसाइट, यू सर्च ऑन गूगल तो डॉक्टर रवि राव का वेबसाइट है, वहाँ पर वो पूरा उसका शेड्यूल है कि कब वो अहमदाबाद में, कब बाहर है, वेर इज आउट द कंट्री, बिकॉज ही ट्रैवल अलॉट, तो उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते उसके थ्रू। सर, व्हाट आर द लेसंस द यूथ कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम? लेसन ही लेसन है सर, डॉक्टर राव क्या बोलते हैं कि कर्म करी चलो, फिक्र मत करो कि रिटर्न क्या आ रहा, कहता रिटर्न अपने आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, एंड इज लाइफ इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। तो ये एडवाइस सबको करते हैं कि जस्ट डू योर जॉब, डू इट डिलिजेंटली, डू इट वेल, डोंट चीट, एंड थिंग्स विल डू वेल। सर, हाउ कैन पीपल यू नो एक्चुअली नाउ रीड अबाउट वट एवर डॉक्टर रवि राव हैज डन, हाउ कैन दे रीड इट फ्रॉम द बुक एंड वेयर इज द बुक अवेलेबल? दो तरीके हैं किताब लेने के, एक तो यू कैन गो टू अमेजन और फ्लिपकार्ट और देयर साइट कॉल्ड स्पर्रिंग सक्सेस, वहाँ पर ये बुक ऑर्डर कर दिए, ले जाइए। दूसरा, इफ यू आर लकी एंड इफ यू आर इन सम स्कूल और सम कॉलेज, चांसेस आर गुड कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आपको ये किताब मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज वी गिव दिस फ्री टू 2500 स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। रीजन वाई यू गिव इट इज कि कुछ बच्चे पढ़ लेंगे जैसे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड होपफुली दिल डू इट, एंड समडे वी विल बी राइटिंग अबाउट देम। तो इसकी फंडिंग कैसे होती है? इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू गिव 2500 बुक्स फ्री, ऑन टॉप ऑफ द कुरियर कॉस्ट सेल्फ इज किलिंग। तो ये जो लोग फीचर होते हैं किताब में, जो नॉर्मली अबाउट 20-25 पीपल आर फीचर इन द बुक, दे बाय द बुक्स फ्रॉम अस। क्यों खरीदते हैं? बिकॉज अ वेरी गुड इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर देम। दे बाय द बुक, दे सेंड टू देयर क्लाइंट्स, दे सेंड टू देयर बैंकर्स टू गेट बेटर टर्म्स, सेंड टू सप्लायर टू गेट बेटर टर्म्स, सेंड देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉर्पोरेट फंक्शनरीज, ब्यूरोक्रेट्स जिससे डील कर रहे हैं, एंड इट्स बेसिकली हेल्प देम क्रिएट अ गुड इमेज फॉर देम। उनका भला है कि इमेज उनके बढ़ रही है, बारह भला उनसे पैसे मिलते हैं, लोगों का भला अगर फ्री हो देते हैं, पैसा कभी बना नहीं है इस किताब से, लेकिन मजा आ जाता है किताब करने में। सो एक्शंस आर द सीड ऑफ फेट एज डीड्स ग्रो इनटू डेस्टिनी। सो हियर वाज अनदर फाइन एपिसोड ऑफ द इंस्पायरिंग इंडियंस फीचरिंग श्री अनीश मनोट एंड एन इंस्पायरिंग इंडियन अमेजिंग पर्सनैलिटी। सो वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू सून एंड टेक केयर।